गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू अर मैथ सेशन. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4 जो हमारे एवरेज पे डिपेंड है, एवरेज के कंसेप्ट पे डिपेंड है. ओके, तो एवरेज निकालना बिल्कुल सिंपल है, तो मैं वन बाय वन आपको बता देती हूँ. ठीक है, सो क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स. अब फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है स्टूडेंट, तो आप हेडिंग डालना है प्रॉपरली. फर्स्ट 10 इवन नंबर्स कौन से हैं आपको पता है? यस, जीरो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है. ओके, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 कितने हुए? 4, 4, 8, 9 और 20. ये क्या है? फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो इनका हमें एवरेज निकालना है. तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स है इनकी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. ओके, और एडेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऑलरेडी एग्जांपल में भी दिया है 10 इवन नंबर्स. ओके, तो इनके एडिशन को हम 10 से डिवाइड करेंगे, मीन्स इनका एवरेज निकल आएगा. ओके, सो अगर आप इनकी एडिशन करते हो तो कितनी आती है देखो, 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20, 20 + 10 = 30, 30 + 12, 42, 42 + 14 = 56, 56 + 10 = 66 + 6 = 66 + 6 = 72, 72 + 18 = 90, 90 + 20, 90 + 20 = 110, 110. अगर आप 110 को 10 से डिवाइड करते हो तो 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे 11 बचेंगे. सो 11 इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स. ओके, अब देखो सेकेंड क्या है, ये आपको सॉल्व करना है. ओके, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4. मल्टीपल्स मीन्स आपको पता है, आपने थर्ड फोर्थ में सीखा है ना, अगर वो टेबल आपको पता है 4 का, तो टेबल्स में सब क्या होते हैं, उसके मल्टीपल्स होते हैं. तो 4 के पहले 5 मल्टीपल्स हमें लिखने हैं. 4 के कितने मल्टीपल्स? 5, मीन्स 4 भी खुद का मल्टीपल है ना. 4 × 4, 4, 8, 12, 16, 20 हो गए 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 मल्टीपल्स बोले इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे. और अगर आपको नहीं समझ रहा है तो 5 मल्टीपल्स लिख देने हैं, उनकी एडिशन करनी है. तो यहाँ पे कितने एडेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, उससे आपको डिवाइड कर देना है. तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, इनकी टोटल करनी है मल्टीपल्स की, और उसको डिवाइड 5 करना है, आंसर फाइंड आउट करना है. ओके, तो उनका एवरेज क्या आता है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 का. ठीक है, अब देखो नीचे थर्ड नंबर एग्जांपल है. द मार्क्स स्कोर्ड बाय रवि इन 5 मैथ्स टेस्ट आर गिवन एज. अब देखो रवि को मार्क्स मिले हैं 5 मैथ्स टेस्ट के, ये मार्क्स है. ओके, तो कितने हैं देखो, 81 + 78 + 93 + 85 + 88 कितनी टेस्ट हुई है टोटल? 5, अगर आपने एडेंट्स भी गिन लिए तो भी चलेगा. ओके, मैथ्स के. ओके, और हीज मार्क्स इन 5 टेस्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन एज. और इंग्लिश के 5 टेस्ट हुए हैं, उसके भी मार्क्स यहाँ पे दिए हैं, 68 + 72 + 90 + 88 + 82 / 5. फाइंड हिज एवरेज मार्क्स इन बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश. तो मैथ्स और इंग्लिश का एवरेज निकालना है. एंड इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर बेटर, कौन से सब्जेक्ट में उसने ज़्यादा स्कोर किया है, कौन से सब्जेक्ट का स्कोर बेटर है, ये हमें निकालना है. तो ये मैथ्स का स्कोर है. ओके, मैथ्स का एवरेज हम निकालेंगे और यहाँ पे इंग्लिश का निकालेंगे. तो अगर आप इनकी टोटल करते हो तो 8 + 5 = 13, 13 + 3 = 16, 16 + 8 = 24, 24 + 1 = 25, 2 कैरी, 8 + 2 = 10, 10 + 8 = 18, 18 + 9 = 27, 27 + 7 = 27 + 7 = 34, 34 + 8 = 42. ओके, डिवाइडेड बाय 5.
और इनके अगर हम टोटल करते हैं तो 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 8 20, कैरी 2, 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 7 34, 34 प्लस 6 40। सो अगर आप इन दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, देखो 5 8 जा 40, सो नीचे 2 बचेंगे, ये 5 ब्रिंग डाउन हम नीचे लाएंगे, 5 5 जा 25 और यहाँ पे 5 8 जा 40, ये 0 एज इट इज़। ओके, सो मैथ्स में उसका एवरेज स्कोर आता है 85 एंड इंग्लिश में एवरेज स्कोर आता है 80। ओके, सो इन मैथ्स ही स्कोर्ड बेटर, मैथ्स में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया है ना, द अबोव बार ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन सेंटीमीटर ड्यूरिंग अ वीक, एक वीक का रेनफॉल दिया है। वन वीक में कितने डेज आते हैं स्टूडेंट, 7 डेज आते हैं ना, मंडे टू संडे का रेनफॉल यहाँ पे दिया हुआ है। रेनफॉल सेंटीमीटर्स में दिया है, 1 सेंटीमीटर, 2 मीन्स मंडे को 2 सेंटीमीटर हुआ है, देन ट्यूसडे को 3 सेंटीमीटर हुआ है, थर्सडे को 2 सेंटीमीटर है, वेंसडे को 1 सेंटीमीटर है ना। यहाँ से हम ऐसे करते हैं तो ये बार तक जाते हैं तो हमें नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स मिल जाता है कि कितना सेंटीमीटर कितनी सेंटीमीटर बारिश उस दिन हुई है ना। तो क्या निकालना है, देखो व्हाट इज़ द एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल निकालना है 7 डेज का। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कौन से दिन कितने सेंटीमीटर बारिश हुई ये देखना पड़ेगा। सो मंडे को 2 सेंटीमीटर हुई है, प्लस ट्यूसडे को 3 सेंटीमीटर हुई है, देन वेंसडे को 1 सेंटीमीटर हुई है, देन थर्सडे को 2 सेंटीमीटर हुई है, देन फ्राइडे को 4 सेंटीमीटर हुई है, सैटरडे को 2 सेंटीमीटर हुई है, प्लस संडे को नो रेनफॉल मीन 0। तो ये 7 डेज में कितनी बारिश हुई, कितने सेंटीमीटर हर एक दिन में हुई वो हमने लिख लिए। तो कितने एडेड से 7, इसलिए डिवाइडेड बाय 7, और ऑलरेडी डेज ऑफ द वीक दिए हैं इसलिए एवरेज निकालने के हम 7 से डिवाइड करेंगे। सो पहले हम इनकी टोटल करेंगे, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 अपॉन 7, 7 टू जा 14 मीन्स 2 सेंटीमीटर क्या आया हमारा एवरेज आया। आपको नोटबुक में प्रॉपरली बार ग्राफ निकाल के ये सॉल्व करना है स्टूडेंट। ओके, 2 सेंटीमीटर क्या आया एवरेज रेनफॉल, मीन्स एवरेज पकड़ेंगे हम हर एक रोज का 2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल, क्या आया हमारा आंसर 2 सेंटीमीटर, ऑन विच डे द रेनफॉल वॉज लेस देन द एवरेज, एवरेज कितना है 2 सेंटीमीटर है ना, इधर हमें सेंटीमीटर में नंबर दिए है कि ऐसे कौन से दिन है जिस दिन एवरेज रेनफॉल से मतलब 2 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हुआ है। तो 2 सेंटीमीटर से कम बारिश कौन से डेज को गिरी है, देखो यहाँ पे कम मीन्स ये वेंसडे, और यहाँ से और कम है क्या, नहीं है, मीन्स यस संडे, संडे को रेनफॉल ही नहीं, मीन्स वेंसडे और संडे को एवरेज रेनफॉल से कम बारिश हुई है, मतलब 2 सेंटीमीटर से कम बारिश हुई है, ये भी आपको प्रॉपरली नोटबुक में लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आर द डेज वेन द रेनफॉल वॉज मोर देन द एवरेज, एवरेज कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ऐसे कौन से डेज है कि उस दिन एवरेज से ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, एवरेज से ज़्यादा बारिश हुई, मतलब 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। तो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा पूछा है मीन्स ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ओके, सो ट्यूसडे और फ्राइडे को 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। वॉज द रेनफॉल इक्वल टू द एवरेज रेनफॉल ऑन एनी डे, ऐसा कोई डे है क्या जिसके बराबर एवरेज रेनफॉल है, मतलब ऐसे कौन से डे है कि जिस डे 2 सेंटीमीटर ही बारिश हुई है क्या, यस पहले तो है, यस ओके, मंडे थर्सडे एंड सैटरडे है ना, मंडे थर्सडे एंड सैटरडे को इक्वल टू एवरेज रेनफॉल बारिश हुई है, रेनफॉल हुआ है। ओके, तो ये ऐसा बार ग्राफ का हमने एवरेज निकाला है,
तो स्टूडेंट्स अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेकिन ये हमारा इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए हम नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2.4 प्रॉपरली आपके नोटबुक में लिखनी है और सॉल्व करनी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, और इसकी फोटोज मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं। ओके बाय।